उज्जैन के मक्सी रोड पर ग्राम पंचायत पिंगलेश्वर की महिला सरपंच के पति रईस पटेल का निधन हो गया। पूरा परिवार शोक में डूबा हुआ है। वहीं परिवार के सदस्यों का कहना है कि हमारे परिवार के मुखिया रईस पटेल को अधिकारियों ने टीका लगवाने के लिए दबाव बनाया था और उसके बाद टीकाकरण सेंटर पर पहुंचकर टीका लगवा लिया और फिर उसकी तबीयत सुधरने की बजाय बिगड़ती चली गई। हमने काफ़ी उपचार करवाया पर जान नहीं बची, जबकि हमारे परिवार के मुखिया रईस पटेल को डायबिटीज की बीमारी थी और उसका उपचार चल रहा था। रईस पटेल ने अधिकारियों को बताया था पर ना अधिकारियों ने सुनी और ना ही टीका लगाने वाले डॉक्टर ने सुनी, जिसके परिणाम यह रहेंगे हमारे परिवार की खुशियां ही समाप्त हो गई। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत के जो महिला सरपंच हैं उनके पति का निधन हो चुका है और परिवार के सदस्यों का ऐसा कहना है कि उनको डायबिटीज़ थी और डायबिटीज़ के बाद उनको वहाँ शिविर में इंजेक्शन लगा दिया गया जिसके उनकी मौत हो गई। तो किस प्रकार से क्या पूरा मामला है, किस प्रकार से क्या लग रहा है और क्या हो सकता है? सर इसमें क्या शासन के अनुसार भी सभी के टीकाकरण चल रहे 45 वर्ष से अधिक वाले, तो वो मतदाता जो सूची के हिसाब से हमको अधिकारी द्वारा जो हमारे जो सीओ साहब है उनके द्वारा से किया गया था जो मतदाता सूची है जो 45 वर्ष वाले जितने भी है गांव के सभी को टीकाकरण अनिवार्य करवाना है। तो हमने चौकीदार को बोल दिया था कि आपको पूरे गांव में सभी को 20 फिट करवा के जो मतलब सूचना कर दी थी। इससे हमारे उस दिन हमारे गांव में टीकाकरण नहीं था, उंडासा में था। तो सरपंच साहब उनकी खुद की कार से उंडासा पंचायत थे और उनने डॉक्टर ने जो भी उनकी जाँच करी थी उसके हिसाब से उनको फिर टीका लगवाया। बस यही मेरा पक्ष है। आपका रमेश मालवी पिंगले उपसरपंच हैं। आपके सरपंच थे उनका क्या नाम है? रईस पटेल। क्या कब शिविर लगा था और क्या हुआ था बताइए? शिविर लगा था, उनमें टीकाकरण हुआ था। टीकाकरण में जब गांव वाले को लगाया था उनको भी लगाया था तो उनको कोई डायबिटीज थी उसके कारण उनकी डेथ हो गई। अच्छा, जबकि मालूम है डायबिटीज़ है तो पहले चेकअप होना था या उनकी उम्र भी कम है तो उनको लगना ही नहीं था ये टीका, क्यों लगाया गया? 3 साल कम पड़ रही थी। फिर क्यों लगवाया अधिकारी? अरे दवा जब मालूम है कि उम्र कम है और उनको डायबिटीज़ भी है तो टीका लगना ही नहीं था। डायबिटीज थी फिर भी लगवा लिया, ज़बरदस्ती है क्या? दवा डाला सीओ मैडम ने मिलने तो उन्हें लगवा लिया। बताइए क्या नाम है आपका माता जी और कहाँ रहती हैं आप? पिंगलेश्वर में रहती हैं। बताइए आपके बेटे का क्या नाम था? रईस पटेल। रईस पटेल, करीब कितनी उम्र थी? 40-42 वर्ष। अच्छा, कब लगवाया था इन्होंने टीका और क्या हुआ था बताइए? मंत्री साहब आया तो शिकायत करी। क्या कहा उन्होंने? मैडम ने किया कि वो सब शिकायत करी और सर पर साथ तुम्हारे को टीका लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो वो यहाँ से उठा के ले गया मंत्री साहब। हाँ, और मैंने बोला कि हमने लगा क्योंकि हम अम्मा जी तुम्हारे को भी लगाना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो तुम्हारा गेहूँ में कुछ भी नहीं लेगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर मैंने किया मैंने लगाना तो उसको ले गया कि तुम्हारे को लगाना पड़ेगा। सब शिकायत गाँव के करे, ये आंगनबाड़ी वाली मैडम ने सब ने शिकायत करी। वो फिर टीका लगवाया, उसके बाद क्या हुआ उनके स्वास्थ्य में? क्या वो बुखार चढ़ा? हाँ, और तो शुक्र बढ़ गई और शांत हो गए। शांत हो गए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।